ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजनीति में संयोग और नेता की किस्मत कैसे काम करती है, इसकी मिसाल उत्तराखंड है। पिछले साल जुलाई में भाजपा ने 5 साल के कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बदला था और तीरथ सिंह रावत की जगह 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को CM बनाया था। धामी ने बदलाव की राजनीति की और अपने युवा चेहरे से एंटी इंकम्बेंसी को खत्म किया। इसका नतीजा हुआ कि पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन खुद धामी खटीमा सीट से हार गए। अब सवाल है कि भाजपा उनको ही फिर मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई नया चेहरा लाया जाएगा। ध्यान रहे, भाजपा के पास राज्य में धामी को लेकर 6 पूर्व मुख्यमंत्री है। पार्टी 7वां मुख्यमंत्री बनाएगी या पिछले 6 में से किसी को मौका मिलेगा। उत्तराखंड की CM रेस में धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट सहित अन्य नाम चर्चा में हैं। आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया है। पार्टी नेतृत्व की ओर से जो नाम तय होगा उस पर उनको मुहर लगवानी है। बता दे, उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर BJP में मंथन का दौर जारी है। BJP से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व के सामने नए CM के चयन को लेकर फिलहाल 3 विकल्प है। सूत्रों के अनुसार BJP का एक घड़ा पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की हिमायत कर रहा है। वहीं दूसरा विकल्प पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने का है। इसके अलावा एक तीसरा विकल्प विधायकों से नहीं बल्कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने पर मंथन चल रहा है। एक अन्य बात जो सामने आ रही है कि किसी ब्राह्मण को CM की सीट पर बैठाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री चयन के दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों को भी ध्यान में रखा जाना है। आपको बता दे, उत्तराखंड के 7 विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। इन विधायकों का कहना है कि पार्टी धामी के नाम पर जीती है तो उन्हीं को CM बनना चाहिए। दूसरी ओर एक बार फिर धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी के विधायक बंशीधर भगत के नाम की भी चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम की भी चर्चा है, पर उनके साथ मुश्किल यह है कि उनको बनाया गया तो विधानसभा की कोई सीट खाली कराकर उनको चुनाव लड़ना होगा। वहीं विधायकों से जुदा यदि पार्टी के बाहर से मुख्यमंत्री के चेहरा तलाशती है तो उसके लिए 2 प्रमुख नामों की चर्चा शुरू हो गई है। इनमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम लिए जा रहे हैं। बता दे, उत्तराखंड में भेजे गए दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व पीयूष गोयल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पार्टी नेतृत्व की ओर से जो नाम तय होगा उस पर उनको मुहर लगवानी है। सूत्रों की माने तो आलाकमान के एक अन्य गणित को भी ध्यान में रखने की बात ही सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि UP में ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने के चलते उत्तराखंड में किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष का शनिवार को अजय भट्ट से मिलना इसी का संकेत माना जा रहा है। इस मुकाबले के चलते अजय भट्ट को मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे माना जाने लगा है। इसके अलावा पार्टी के ब्राह्मण चेहरे सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक, बंशीधर भगत जैसे ब्राह्मण चेहरे भी इस रेस में शुमार बताए जा रहे हैं। इन सबसे अलग महिला के साथ साथ ब्राह्मण चेहरे ऋतु भूषण खंडूडी को लेकर भी चर्चा तेज है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तराखंड। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।